जब तक आप स्वयं को नहीं हराओगे, आप नीट को नहीं हरा पाओगे। जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं पिछले साल और इस बार जितने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, सबने अपना कंफर्ट तोड़ा है, और आज जो आप करने जा रहे हो वो कल से बेहतर होगा। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी अपने तैयारी के दौरान, जो इस पाथ पर आपको ले जाएंगी, जिसका डेस्टिनेशन 180 आउट ऑफ 180 होगा, जो आपको इस डेस्टिनेशन पर ले जाएंगी। सबसे पहली बात तो अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज करो। जब तक आप स्वयं को नहीं हराओगे, आप नीट को नहीं हरा पाओगे। अपनी लिमिट को पुश करो। कभी भी कंफर्ट जोन में सिलेक्शन नहीं मिलता है। जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं पिछले साल और इस बार जितने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, सबने अपना कंफर्ट तोड़ा है, वो बैरियर तोड़ा है। आप उस कंफर्ट से आगे निकलोगे तभी सिलेक्शन पाओगे। आपको अपने आप को चैलेंज करना होगा। जैसे अगर आप आज 20 सवाल बना पा रहे हो तो कल आपसे 20 से ज्यादा सवाल बनने चाहिए, 22, 25, 28 ऐसे सवाल बनने चाहिए। और अगर कल 28 बन रहे हैं तो अगले दिन 30 बनने चाहिए। अपनी लिमिट को एक्सपांड करना है तुम्हें, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी तुम जो सोच के बैठे हो कि नहीं जितना आएगा हम उतना पढ़ लेंगे, सवाल कहां से लगाओगे? तो जो DPP आपको मिलेगी, जो प्रैक्टिस सीट्स आपको मिल रही होंगी, जो एडिशनल प्रैक्टिस क्लासेस में चल रही होगी, वो सारे के सारे सवाल आपको बनाने हैं। लेकिन वो आपको करना ही होगा, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, तो अपने आप को चैलेंज करें, हर दिन अपने आप को चैलेंज करें, और कल जो आपने किया और आज जो आप करने जा रहे हो वो कल से बेहतर होना चाहिए। कल जो आपने किया उससे बेहतर आपका आज होना चाहिए, और उससे बेहतर अगले वाला दिन होना चाहिए। इसी को तो सुधार बोलते हैं। ठीक है, और आसान नहीं है, ये करना पड़ेगा, बैठना पड़ता है भाई, चेयर पे बैठ के टेबल पे लिखना पड़ता है, घिसना पड़ता है, पेन के पेन खत्म हो जाने चाहिए तुम्हारे। दूसरी बात, स्टिक टू सिलेबस। इसका मतलब क्या है? सिलेबस से इधर उधर नहीं भागना है, सिलेबस से इधर उधर नहीं भागना है। जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, और वही चीज हम लोग एश्योर करते हैं कि वही चीज आपको पढ़ाई जाती, उसी पर ही हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा देते हैं, ना कि कोई एडिशनल कुछ उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। तो सिलेबस से स्टिक रहना है। आपका सिलेबस आपको पता है, और जब आप पढ़ने आओगे तो हम लोग भी बता देंगे कि भाई साहब ये सिलेबस है। भाई पढ़ने को बैठ जाओ तो इनफाइनाइट चीजें हैं, पढ़ते रहो, ज्ञानी बन जाओ। क्या मतलब है ऐसे ज्ञान का जो सिलेक्ट ही ना करा पाए तुमको? बन गए ज्ञानी, क्या करोगे? तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई आपका पहली बात तो आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है? आपको डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनते हैं। ऐसा नहीं कि चार चीजें ज्यादा पढ़ के चौराहे पे खड़े हो जाओगे और लोग तालियां बजाएंगे। कोई ताली नहीं बजाता। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक लोग तालियां नहीं बजाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स। ये आपको खुद पता है कि मैं किस टाइप के सवालों में फंस रहा हूं, और वो आपको टेस्ट की एनालिसिस से भी मिल जाएंगे। जो हम लोगों की टेस्ट तुम दे रहे होगे ना, उसकी एनालिसिस जब तुम कर रहे होगे, तो उस एनालिसिस से भी मिल जाएंगे कि तुमसे इस टाइप के सवाल नहीं बन रहे हैं, यानी कि तुम इस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करो, घिसो, चीखो, रिवाइज करो, बार 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 रिवाइज करो। दिमाग में बिठाना इतना आसान काम नहीं है। बार 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 चीजें रिकॉल होनी चाहिए। एक ही चीज चार बार पांच बार आपकी नजरों के सामने निकलनी चाहिए, तब जाके वो धीमे धीमे दिमाग में बैठेगी। और एग्जाम में दिमाग ले जाते हो, नोट्स नहीं ले जाते हो, है ना? तो अपने वीक पॉइंट पता करो कि कहां पर तुम फंसते हो, किस टाइप के सवाल में फंस रहे हो, कैसे चैप्टर में तुम फंस रहे हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल में बहुत मजा आता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हवा टाइट हो जाती है कि सर ये क्या हो गया, सर ये क्या पूछ रहे, समझ नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस करो ना उसकी। भाई बैठ के रोने से कोई सॉल्यूशन थोड़ी निकलता है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। ये अपने आप में एक सवाल है टाइम मैनेजमेंट। इसका सीधा सॉल्यूशन ये है, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अपने आप समय ही समय निकलेगा। प्रैक्टिस, ये कहां से कर रहे होगे प्रैक्टिस? भाई आपके पास कोई स्टडी मटेरियल होगा, आपके पास DPP होगी, आप टेस्ट दे रहे होगे, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने एक चैप्टर के आ रहे होंगे कि वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं एग्जाम में आने वाले सवाल को बनाने के लिए। एग्जाम में आने वाले सवाल को बनाने के लिए भाई हम एक चैप्टर में बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन आता तो उस चैप्टर से एक या दो सवाल है ना, तो इतने सारे सवालों में से एक दो सवाल तो आएगा ही आएगा। इतना तो ध्यान रख लो तुम, इतने करेंगे तो उसमें तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। कोई भी DPP नहीं छोड़नी, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना, जो मटेरियल तुम फॉलो कर रहे हो उसको पूरा लगाना।
सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, लर्न विद पिक्चर्स। इसका मतलब क्या है? आप अगर कोई चीज लिखी हुई देखते हो, मतलब शब्दों में लिखी हुई है, तो कई बार हम उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, या आधी लाइन पढ़ने के बाद सीधे चौथी लाइन पर जंप कर जाते हैं। ये इसमें कोई गलती नहीं है, ये हमारा दिमाग है, ह्यूमन माइंड ऐसे ही होता है कि चार लाइनें लिखी हैं तो रेयरली ही लोग चार लाइन पढ़ेंगे, आधी लाइन पढ़ेंगे, फिर आधी लाइन का खुद ही मतलब बना लेंगे, अगली लाइन तो पता नहीं कहां से आ जाएगी, और फिर उसके अगली वाली लाइन में अपना कंक्लूजन दे देंगे, अच्छा इसमें तो ऐसा लिखा है। तो इसलिए जो लाइंस लिखी होती है ना, इनसे ज्यादा बेहतर चीज जो मैं मानता हूं, ये मेरा अपना मानना है, पिक्चर के थ्रू बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो अगर कभी भी आपको लाइनें ज्यादा परेशान कर रही थ्योरी में, उसकी एक नई कहानी बना लो, अपनी नई पिक्चर बना लो। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे खुद भी कनेक्ट कर सकते हो, इससे तुम्हारी थॉट प्रोसेस भी डेवलप होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, टेस्ट दीजिए रेगुलर और उसका एनालिसिस कीजिए, और ये फाइंड कीजिए कि हमसे गलती कहां हो रही है, क्या हमारी मिस्टेक सिली मिस्टेक टाइप की तो नहीं हो रही है, या हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट की तरफ तो नहीं गया। भाई हो सकता है कई बार कॉन्सेप्ट तुम गलत तरीके से समझ लेते हो, गलत इंटरप्रेट कर लेते हो, वो तो समझना अपने अपने ऊपर है। भाई मैंने समझा कि नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, किसी ने समझा ये चीज नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो उस चीज को समझो कि हमसे गलती क्या हो रही है, गलतियों को ढूंढो और उसको खत्म कर दो। आगे चलते हैं। जब तुम रिवाइज कर रहे होगे चीजों को, रिवाइज कर रहे होगे तो कैसे रिवाइज करोगे? मान लो तुम्हारा कोई एक चैप्टर या दो चैप्टर हो गया, अब वो टेस्ट में आने वाले हैं, तो वो जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे रिवीजन करो। बार 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 मेन नोट से रिवाइज करोगे, धीमे धीमे दिमाग पे बर्डन बढ़ेगा और कुछ नहीं। भाई मान लो किसी टेस्ट में एक ही चैप्टर आ रहा है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, चलो इसी से तो आया नोट से, लेकिन सोचो जब नीट का पेपर देने बैठोगे, इतने सारे चैप्टर होंगे, लास्ट मोमेंट रिवीजन करना होगा, या 10-15 दिन पहले रिवीजन करना होगा, उस समय समझ नहीं आता कि कौन सा चैप्टर खोलना है। तीन तीन चार चार तुम्हारी नोटबुक भर चुकी होंगी तब तक, कौन सी नोटबुक खोलनी है पता ही नहीं चलेगा, कईयों को तो नोटबुक मिलती भी नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मैं अपने स्टूडेंट वाले जीवन में बड़ा फॉलो करता था। टीच अदर्स व्हाट यू हैव लर्न। आपने कोई चीज याद कर ली या ध्यान रख ली या आपको समझ में आ गई, तो वो किसी और को भी सिखाओ। अगर आपके कोई दोस्त यार हैं जो आपके साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बकवास में समय खराब ना करो। जैसे मैं और मेरा दोस्त था दुष्यंत, हम लोग यही करते थे कि मैं उससे बोलता था कल मिलोगे ना, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की रिएक्शन पूछेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बनाते हैं, तुम उससे जीओसी के सवाल पूछ लेना। तो इस तरीके से भी चीजें सीखी जाती हैं। और ये जो मैं बोल रहा था ना, खुद के स्टडी नोट्स होने चाहिए, किसी और के स्टडी नोट्स पर कभी भरोसा ना करें। उसने किस सेंस में चीजें लिखी हैं, क्या लिखा है, कौन सा एग्जांपल लिया है, आप नहीं समझ पाओगे। आपको देखने में तो बड़े सुंदर लगेंगे, ये तो हम लोग भी दे ही रहे हैं आपको, शॉर्ट नोट, फॉर्मूला बुक, माइंड मैप सब दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्पलेट के तौर पर यूज करना, फिर कह रहा हूं मैं। खुद के ही नोट्स होने चाहिए, खुद के ही माइंड मैप होने चाहिए, खुद को ही शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, तभी तो तुम उस चीज की ओनरशिप ले पाओगे कि मेरे नोट्स हैं। खुद के नोट्स होने चाहिए, और भाई साहब स्टडी टेबल होनी चाहिए आपके पास, लेट के कभी दिमाग में नहीं जाएंगी चीजें, या कहीं बैठ गए तब कभी दिमाग में नहीं जाएंगी। प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल आपकी होनी चाहिए, जहां तुम बैठो, और उस स्टडी टेबल, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, भसड़ नहीं होनी चाहिए उसमें कि पता चला ये भी डला है, ये भी डला, ये भी डला, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बायो भी रखी हुई है, केमिस्ट्री भी रखी हुई है, जो चीज पहले जो तुम पढ़ रहे हो उसकी ही चीजें होनी चाहिए। भाई मान लो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ फिजिक्स ही उस स्टडी टेबल पे होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ो तो केमिस्ट्री।